दो दोस्त रहते थे, उनके नाम थे नेकी राम और फेकू राम। नेकी राम बहुत ही नम्र और दयालु था, जबकि फेकू राम बहुत ही मतलबी और झूठा था। एक दिन दोनों दोस्त पैसा कमाने शहर निकले। उन लोगों ने बहुत मेहनत की। कम समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जैसे ही वो गांव जाने के लिए निकले, फेकू राम के मन में एक विचार आया। क्यों ना हम अपना धन इस पेड़ के खोखले में छुपा दें? और जब हम दोनों सुबह लौटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएंगे। नेकी राम तैयार हो गए। और दोनों अपना सामान छिपाकर गांव की ओर निकल पड़े। फेकू राम आधी रात को जंगल पहुंचे और सारा धन चुरा लिया। दोनों दोस्त धन लेने जंगल पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तुमने मेरा पैसा चुराया है। पर मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा भी चोरी हो गया है। नेकी राम ने चोरी से इनकार किया, पर फेकू राम उसे सरपंच के पास ले गया और बोला, ये चोर है। मेरी मदद कीजिए, हमने धन जो छुपा रखा था वो इसने चुरा लिया है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मेरे पास इसका सिर्फ एक सबूत है। और वो कौन है? वो देवदूत जो उस पेड़ में रहते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए। सब लोग पेड़ के पास पहुंचे और फेकू राम जोर से बोला, ओ इस पेड़ में रहने वाले देवदूत, कृपया बताइए कल रात क्या हुआ था। नेकी राम कल रात यहाँ आया था और सारा धन जो यहाँ रखा था चुरा कर ले गया। नेकी राम भौचक्का रह गया और बोला, अरे बेवकूफ पेड़, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ये कहते हुए नेकी राम ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पेड़ के चारों तरफ बिछा दिया और उनमें आग लगा दी। कुछ ही देर में फेकू राम के पिताजी चीखते हुए वहां से बाहर निकले। हे भगवान, मेरी मदद करो। गांव के सरपंच ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे ने मुझे यहाँ छुपने को कहा और कहा कि कहना कि नेकी राम सारा धन चुरा कर ले गया। दरअसल धन मेरे बेटे फेकू राम ने चुराया है। सरपंच ने फेकू राम को सजा दी और नेकी राम को धन लौटा दिया। शिक्षा: सत्य की हमेशा जीत होती है।